बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ट्रक और डबल डेकर बस में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है, 25 लोग घायल हैं। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख देने का ऐलान, घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए का ऐलान। दिल्ली से बहराइच ये बस जा रही थी और अचानक भीषण टक्कर हो गई। ट्रक और डबल डेकर बस में हुई है, जिसमें 13 लोगों की जान अब तक चली गई है, 25 लोग अब घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटना पर दुख व्यक्त किया है और साथ ही मुआवजे का ऐलान कर दिया है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली से बहराइच ये बस जा रही थी और अचानक बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें कि एक दिल्ली से बहराइच से प्राइवेट बस जा रही थी, उसका और एक ट्रक का जो सामने से आ रही थी उसके बीच में हो गई, जिसमें अब तक 9 लोगों की दुखद मृत्यु की हो चुकी है और लगभग 27 लोग घायल हैं, जिसमें से कि जितने भी हमारे सीरियस लोग थे उन सबको ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है और कुछ को यहाँ पे प्राथमिक उपचार उनका किया जा रहा है और उसके बाद प्राथमिक उपचार होने के बाद उनको गंतव्य स्थल तक हम लोग पहुँचा देंगे। उसी समय पर हमारी टीमें पुलिस प्रशासन की लगी हुई हैं और पूरी प्रयास कर रही हैं कि किया था कि जो भी कैजुअलिटी थी उनको। इस वक्त संवाददाता मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। योगेश, फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है, आप घटनास्थल पर इस वक्त आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें करीब आज सुबह 4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है, जिसमें वोल्वो बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 14 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं इस पर अभी बाराबंकी एसपी ने एक कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे मृतकों और घायलों के परिवार को जो जानकारी होनी चाहिए वो इस नंबर से ले सकते हैं। हाँ, एक बार तस्वीरें दिखाइए, क्या हालत रही थी जिस वक्त यह हादसा हुआ, किस तरीके से बस और जो ट्रक था वो चकनाचूर हो गए हैं? जी, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही बस है जिसमें आज शाम को 4 बजे जो एक्सीडेंट हुआ है, ये वही ये किसान पथ हाईवे पे ये बस खड़ी हुई है, ये वॉल्वो बस है जिसमें देर रात ये हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक 9 लोगों की मौत हुई है। इसमें हादसे का कारण क्या था योगेश? ये किसान पथ पे ये देर शाम को सुबह एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अभी तक 9 लोगों की मौत हुई है, 14 लोग घायल। जी, कारण क्या बताया जा रहा है दोनों बसों के टकराव का? कारण से किसान पथ से छुट्टा जानवरों के कारण ये सुबह हादसा हुआ है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त घटनास्थल पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर दोनों बसों की भिड़ंत इस कदर हुई है कि स्थितियां बेहद खराब हैं और फिलहाल वहां पर ट्रैफिक भी जाम हो गया है और स्थितियों को खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ते